हम ये आपको बता दें कि हम जब भी बात करते हैं हम तीनों क्योरिटीज की बात करते हैं, कभी भी एक क्योरिटी रामबन या बनिहाल की बात नहीं करेंगे, हम तीनों क्योरिटीज की बात हमेशा एक साथ करते आए हैं। तो आज ही हमने जैसे क्योरिटी रामबन में कुछ एक दो स्ट्रेचर्स लेकर उनको दिए, वो SHO साहब की जो है इनिशिएटिव से, तो यहाँ के SHO साहब को भी मैं यहाँ आज ही इनके साथ बात करके आप लोगों को भी कोई दो स्ट्रेचर्स और कुछ टी शर्ट्स वगैरह दिलवाने की बात कर रही हूँ, तो वो आपको भी दिलवाए जाएंगे। और बाकी गाड़ी शायद आप लोगों को मिली है, DC साहब ने बताया था अच्छा वो बनिहाल को मिली है, रामबन में ही है, इधर अभी नहीं आई। अच्छा इधर अभी नहीं है, तो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके बारे में भी हम इनसे आप अलग से एक मीटिंग कॉल करके हम सारी बातें कर लेंगे। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है उसमें हमारा जो रोल होगा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी ये जो QRT है ये रजिस्टर हो जाए, ताकि आपको जो भी बेनिफिट्स हैं चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं या बाकी जगहों से हैं उसमें कोई परेशानी ना आ सके। बाकी अगर आप लोगों को मैंने अगर सजेशंस देनी है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप लोगों को इस ये दर्दनाक जो एक हादसा नीचे हुआ उसके बारे में वहां से सभी को सीख लेनी चाहिए, इवन हम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सीख ली है, आप लोगों को भी लेनी चाहिए कि जब भी यहां से आपकी गाड़ियां आती हैं या जाती हैं तो प्लीज ओवरलोडिंग ना कीजिए। अगर 23 सवारी बैठ सकती है गाड़ी में उसमें 24वीं सवारी नहीं बैठनी चाहिए। आप अपने प्रोग्राम को, अपने टाइम को, अपना जो आपका काम है उसको आप प्रीपोन कर लीजिए, थोड़ा जल्दी निकल जाइए, लेकिन कभी भी ओवरलोडेड गाड़ी में ना बैठिए, ना ही ड्राइवर को मजबूर कीजिए तो ना ही आप ज़बरदस्ती उसमें बैठिए, ताकि आप सब जानते ही हैं कि वो जो एक हादसा है, अगर आपने किसी ने वो उस हालात में अगर आप लोग रहते और देखते वहाँ उन बच्चों के साथ, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, कितने एम्प्लॉयज थे, उन सबके साथ क्या बीती और किस तरह से जो है सबने मिलकर उनको निकाला। हम कोशिश पूरी हमने की लेकिन वो ऐसा मुकाम था जहाँ से निकालना भी जो है लोगों को बड़ा मुश्किल था, फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी जानें वहाँ पर गंवाई है, हमारे ही भाई बहन थे। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ अपनी रोड सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। अगर टू व्हीलर्स यहाँ से चलते हैं, ये यंग बच्चे जो हैं चलते हैं, तो टू व्हीलर्स पे एक तो ट्रिपल राइडिंग ना कीजिए, और जब भी चलते हैं हेलमेट पहन के निकलिए। आपका टेरेन, आपका जो ये पहाड़ी इलाका है इसमें आपको बगैर हेलमेट के कभी नहीं चलना है। सब सुन रहे हैं? हाँ, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बगैर हेलमेट के कोई ना चले। हम लोग तो देखिए, आप लोगों को, हम एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, हमारे हाथ में क्या होता है, जिसने हेलमेट नहीं पहनी है उसको चलान करेंगे। आपको बुरा लगेगा कि पुलिस वाले ने मेरे से 100 या 200 रुपए का चलान ले लिया, लेकिन आपको ही ये चाहिए कि हमें ये मौका ही ना दें। आप बिल्कुल मौका ना दीजिए कि आप लोगों की चलानिंग हो। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा, इन्होंने बड़ा अच्छी एक सलाह दी है कि अगर यहाँ पे कोई ड्राइवर जो है अच्छी ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो गाड़ी में ओवरलोडेड जो है नहीं चलाते हैं, बड़े सेफ तरीके से रखते हैं, गाड़ी का प्रॉपर मैकेनिकल चेक करवाते हैं, फिटनेस उसकी चेक करवाते रहते हैं, उन ड्राइवर्स के अगर आप लोग भी अपने इलाके से खुद नाम दीजिएगा, हम भी RTO साहब से भी बात करेंगे और उनके लिए ज़रूर इनाम का जो है कोई एक इंतज़ाम होना चाहिए, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग गलत तरीके से गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, रैश करते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, और जो सेफ्टी मेजर्स उनको लेने चाहिए वो नहीं लेते हैं।